बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबिर शफी। आज मैं आपको एक्सेल पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग के हिसाब से कलर चेंज करना बताऊंगा कि अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट करते हैं और वो रिकॉर्ड हमें फॉर्मेटिंग के साथ हमें शो करे तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट होगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सेल। एक्सेल में देखें जो यहाँ हमने टॉपिक मेंशन किया हुआ है, सेल कलर चेंज बेस्ड ऑन वैल्यू। अब यहाँ देखें मैंने दो टेबल बनाए हुए एक जैसे। अब यहाँ पर हम किस तरीके से काम करेंगे दोनों टेबल के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नेम सर्च करवाना है और उस नेम के थ्रू मुझे उसका ग्रेड मालूम हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू, यानी कि जहां से आप सर्च करवाना चाह रहे हैं आपकी लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट करेंगे कॉमा। इसके बाद आपसे बोल रहा है टेबल एरे, टेबल एरे में आपका कंप्लीट यहां टेबल हो जाएगा। अब आपसे बोल रहे हैं कॉमा लगा देंगे। अब आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स, यानी कि कॉलम इंडेक्स यानी कि आप किस कॉलम को सर्च करवाना चाह रहे हैं कि मुझे ग्रेड मिल जाए। तो टेबल के अंदर देखें आपके पास ग्रेड का कॉलम कौन सा है, 1, 2, 3। तो यहां मैं प्रेस करूंगा 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर करूंगा यहाँ पर मैं। अब जैसे ही यहाँ मैं कोई नेम लिखूंगा मुझे उस स्टूडेंट का ग्रेड मालूम हो जाएगा। देखें यहाँ मैंने सर्च करवाया तलहा, मुझे इसका यहाँ पर ग्रेड मिल गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ सर्च करवाता हूँ नेम फहद, तो देखें मुझे यहाँ पर फहद का ग्रेड मिल चुका है। अब यहाँ हमने डाटा सर्च करवा लिया है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टेबल को इस तरीके से फॉर्मेटिंग देनी है या इस तरीके से कंडीशन बनानी है कि जैसे ही यहाँ डेटा सर्च करवा रहा हूँ वो यहाँ पर उसको हाईलाइट कर दे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे जितना आपका टेबल होगा। यहाँ पर आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रूल, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है यूज फॉर्मूला डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। आपने जैसे इसको सेलेक्ट करना है यहाँ फॉर्मेट वैल्यूज आपके पास आ रही होगी, आपने अपने फॉर्मेट वैल्यूज को सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने प्रेस करना है इक्वल टू। इक्वल टू के बाद आपने जो वैल्यू सर्च करवानी है आपने उस सेल को सेलेक्ट करना है कि मुझे इस नेम से सर्च करवाना है, इक्वल टू लगा देंगे और आपका जो भी टेबल होगा उस टेबल का आपका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रॉ यानी कि आपका फर्स्ट सेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो आपने सेल को सेलेक्ट किया है यहां से आपने डॉलर साइन को हटा देना है ताकि आपकी जो भी वैल्यूज होगी वो बिल्कुल सही से अप्लाई हो, यानी कि जो फॉर्मेट हम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहां से मैंने डॉलर का साइन रॉ से भी हटा दिया और कॉलम से भी हटा दिया। तो अब यहां से हम क्या करते हैं फॉर्मेट पे चले आएंगे, यहां से हम डिफरेंट फॉर्मेट या बॉर्डर या फॉन्ट आप जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फिल कलर अप्लाई कर लिया ग्रीन से और इसको ओके कर दिया और यहाँ भी मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब देखें जैसे मैंने यहाँ फहद को सर्च करवाया मेरे पास यहाँ फहद हाईलाइट हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ मैं लिखता हूँ बिलाल तो मेरे पास देखें उसी फॉर्मेट यानी जो नेम मैंने सर्च करा उसको हाईलाइट करवा दी इसने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नेम नईम तो देखें मेरे पास यहाँ पर नईम को सर्च करवा दिए ग्रेड के साथ। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ काशिफ, इस वाले सेल में हम सर्च करवा लेंगे काशिफ, तो देखें काशिफ का हमें ग्रेड मालूम बता दिए और यहाँ उसने हाईलाइट भी कर लिया ऑटोमेटिकली। तो एक तो हमने तरीका इस तरीके से कर लिया, हमने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड तरीका हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर सेम वर्किंग कर लेते हैं कि फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं और हमें सेल के बजाय पूरी रॉ यानी कि जो कॉलम्स के अंदर जितना भी डेटा आ रहा होगा उसको हाईलाइट कर दें, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे यहाँ पर वीडियो का फॉर्मूला लगा लेंगे, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा और टेबल एरे हम यहाँ पर सेलेक्ट करवा लेंगे अपना, कॉमा लगा देंगे और ग्रेड सर्च करवाना है कॉलम नंबर 3 और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप यहाँ सर्च कर लेते हैं फहद, अभी मेरे पास यहाँ पर सर्चिंग में सिर्फ ग्रेड आ रहा है और हाईलाइट फॉर्मेटिंग बनाएंगे कैसे, अगेन आप टेबल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएं, यहाँ पर न्यू रूल में चले जाएं और इसी न्यू रूल के अंदर आपके पास सेम वही ऑप्शन है यूज फॉर्मूला वाले, कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे
और फॉर्मेट वैल्यू के अंदर आपने इक्वल टू लगाना है, अपने सेम नेम वाले सेल को सेलेक्ट करना है इक्वल टू, और फर्स्ट वैल्यू को आपने सेलेक्ट करना है जैसे हमने प्रीवियस वाले टेबल में काम किया था, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप डॉलर का साइन हटाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ रॉ के साथ हटा देंगे, कॉलम के साथ आप लगे रहने देंगे, ताकि कॉलम के साथ जब लगे रहेगा तो उस पूरे कॉलम वाले सेल्स को हाईलाइट कर देगा। फॉर्मेट यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ अब हम डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं और ओके कर देंगे, यहाँ से भी हम ओके कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पर पूरी रॉ यानी कि आपको इस तरीके से हाईलाइट करवा रहा है। जैसे यहाँ मैंने सर्च करवाया नाइन, तो देखें उसने पूरी रॉ यानी कि जितने भी कॉलम आ रहे थे सेल्स, उसने सबको यहाँ पर पूरा फॉर्मेटिंग के साथ हाईलाइट कर रहा है। अब यहाँ अगर अप्लाई कर लेता हूँ सात, तो देखिए उसने सात वाली रॉ को पूरा इस तरीके से हाईलाइट कर लिया। तो देखा बहुत आसान तरीका था कि आप सेल को सिलेक्ट करवा लें या पूरी रॉ को आप सिलेक्ट करवा लें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।